हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो उन मेंबर्स के लिए बना रही हूँ जो ओरिफ्लेम ज्वाइन कर चुके हैं और न्यू ज्वाइनर हैं उनके लिए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना होता है, अगर तो वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाके ओरिफ्लेम ऐप डाउनलोड करना है। अगर वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने ऐप स्टोर में जाके आईफोन के वहाँ पे ओरिफ्लेम ऐप डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे प्ले स्टोर में हम जाएंगे, सर्च ऑप्शन पे जाएंगे, ओरिफ्लेम जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ मेरा अपडेट शो हो रहा है, ये अपडेट करने वाला है, अदरवाइज़ यहाँ इंस्टॉल आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तो ओपन लिखा शो होगा। ठीक है, तो ये मेरा ओरिफ्लेम ऐप है जिसमें अभी हम साइन इन करेंगे। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ओरिफ्लेम वर्किंग है। यहाँ पे हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया। देन यहाँ पे मैं अपना, हमारा जो ब्रांड पार्टनर नंबर हमें दिया जाता है वो फिल करेंगे। यहाँ मैं अपना पासवर्ड है जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है पेस्ट कर लेंगे एंड साइन इन कर लेंगे। तो ये मेरा जो पासवर्ड है मैंने अपना यहाँ पे डाल के साइन इन कर लिया है। तो इस तरीके से आपका जो पासवर्ड होगा एंड ब्रांड पार्टनर नंबर जो आपको दिया जाएगा आपने वो डाल लेना है। देन सबसे पहला जो आपने चेक करना है, यहाँ पे आप अपना कैटलॉग चेक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैटलॉग के ऊपर क्लिक करेंगे। कैटलॉग आप दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, एक तो ये वाला है, वन बाय वन आप एरो पे क्लिक करते जाओगे इस वाले एरो के ऊपर, तो इस तरीके से ये वन बाय वन पेज है जो ओपन होते जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, ये जो डॉट डॉट नाइन शो हो रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से पेजेस में आपको शो होंगे। ठीक है, कैटलॉग आपका, वैसे तो आपके जो अपलाइन हैं आपको कैटलॉग प्रोवाइड कर देते हैं पीडीएफ। ठीक है, अगर आपको कैटलॉग के जो पिक्चर चाहिए होते हैं, ठीक है, और आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके बैकग्राउंड के ऊपर सिंपली इस तरीके से क्लिक करोगे, सेव इमेज आ जाएगा, तो आप सारे फ़ोटोज़ इस तरीके से सेव करके रख लोगे। ठीक है, ये देखिए ये मेरे अभी सेव हो गए, मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से, आप फटाफट सारे इमेज है सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड पे टच करना है और बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अगर आपने अपना पिक है जो सेव करना है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने सारे फ़ोटोज़ हैं सेव कर लेने हैं। अब मैं अपनी गैलरी में आपको चेक करवाती हूँ कि ये कहाँ पे सेव हुए हैं। ये मैं अपनी गैलरी में चली गई और ये देखिए मेरा फर्स्ट जो फ़ोटो था बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से था वहाँ पे उसी तरीके से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है, आपके जो ये वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है, सपोज़ करो आप बॉडी लोशन लेना चाहते हैं, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा कोड और प्राइस बता देती हूँ। अगर आप बॉडी लोशन लेना चाहते हैं तो इसका जो कोड है 34063 है। ठीक है, एक्चुअल इसका जो प्राइस है 729 है, और अगर आप इस मंथ की जो कैटलॉग पूरी कैटलॉग में से अगर आप 650 स्पेंड करते हैं, मतलब और जो प्रोडक्ट हैं 650 के लेते हैं, तो ये आपको 439 के प्राइस पे 20% डिस्काउंट में मिलेगा। इस पे आपको 40% डिस्काउंट है ऑलरेडी, अगर आप 650 बीपी, अगर आप सॉरी 650 रुपीज़ का अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट प्लस
आपको ये वाला प्रोडक्ट 40% डिस्काउंट में मिलेंगे। और 40% डिस्काउंट करके ये इसका प्राइस जो है 439 है। आपको इस पर भी 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये प्रोडक्ट आपको पड़ गया टोटल 60% डिस्काउंट में। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम फिर वहाँ पे आ गए हैं अपने ओरिफ्लेम ऐप में। हम बैक जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे करंट मंथ ऑफर्स, मतलब इस मंथ में जो ऑफ़र हैं वो शो हो रहे हैं। अगर हम बात करें इस वाले ऑफ़र की, तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। करंट ऑफ़र पे हम क्लिक करेंगे सिंपली, ये हमारी इस मंथ की कैटलॉग आ गई है। एक्टिविटी ऑफ़र है ये हमारा। अगर आप इस मंथ में 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक 50 BP का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है दोनों आपको, दोनों में से एक है 129 में मिलेगा। जैसे कि ये, ठीक है, आप ऑप्टिमल का मास्क ले सकते हैं जिसका एक्चुअल प्राइस 699 है, बट आपको 50 BP स्पेंड करने पे ये मिलेगा 129 में। ऐसे ही ये हमारा ऑप्टिमल का मास्क स्क्रब है जिसका प्राइस है 699 और आपको ये 50 BP करने पे मिलेगा 129 में। इसी तरीके से आगे हमारा ये जो है सैनिटाइज़र है, 25th से हमारा ये स्टार्ट हुआ है और 31 जो है अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, ये आपको 5 आप ले सकते हैं, इसका MRP रेट है जो 65 है। ठीक है, ये हमारा मैनेजर ग्रोथ है और ये हमारे बिजनेस क्लास ऑफ़र है। अगर आप 100 BP का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट है जो नेक्स्ट मंथ के कैटलॉग में 40% डिस्काउंट में मिलेगा। अगर आप 125 BP का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ के कैटलॉग में 2 प्रोडक्ट 40% डिस्काउंट में मिलेंगे। अगर आप 150 का जो है प्रोडक्ट बीपी का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ 3 प्रोडक्ट 40% डिस्काउंट में मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं मिनी बिजनेस क्लास। ये हमारा बिजनेस क्लास होता है 125 वाला, और ये हमारा सुपर बिजनेस क्लास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ऑफ़र चेक कर सकते हैं अपनी ऐप में। देन हम बैक जाएंगे। यहाँ पे सोशल मीडिया में कई लोग पूछते हैं कि हमें पिक चाहिए अपने प्रोडक्ट के विदाउट MRP के। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर सिंपली क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट के जो पिक हैं मिल जाएंगे। अब सपोज करो आपको चाहिए फेशियल किट का पिक, तो आप फेशियल किट के ऊपर क्लिक कर दोगे और यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पिक आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए गैलरी में हम चेक कर लेंगे, ये देखिए हमारा पिक डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप विदाउट MRP के भी पिक सेव कर सकते हैं अपने। ठीक है, अब हम जाएंगे बैक यहाँ से। ये आप अगर लोड मोर करते जाओगे तो और भी जो प्रोडक्ट के हमारे पिक हैं वो आते जाएंगे। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे, यहाँ से सेकंड वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी अलग, जैसे मेकअप वाला चेक करना है, ब्यूटी रूटीन वाले स्किन, तो इस तरीके से आप फ्रेगनेंस, ये बॉडी बाथ हो गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट
जो है चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को करना चाहते हैं, जैसे अभी मैं करूँगी हेल्थ सेट, ठीक है, हेल्थ सेट यहाँ पे लिखूँगी और उसको सर्च कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास हेल्थ सेट के तीनों जो है हमारे हेल्थ सेट पिक आ जाएंगे। अब इनमें से मैं कोई एक लेना चाहती हूँ, सपोज़ करो ये ले लिया हमने, ये लेना है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका पिक आ गया है हमारे पास, इसका कोड ये आ गया है 1277131, ठीक है, 127131 ये इसका कोड है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैंने डबल क्लिक करा तो ये हमारा प्राइस आ गया है जो हमें मिलेगा, जिस प्राइस पे हमें मिलेगा, प्लस इसके साथ ही बीपी आ गए। अभी सपोज़ करो आप इसको अपने बैग में ऐड करना चाहते हैं तो बाइक के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ हमारा शॉपिंग बैग, यहाँ पे आप क्लिक करोगे शॉपिंग बैग के ऊपर, ये देखिए वो मैंने ऐड किया था तो ये यहाँ पे आ गया है। अब अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है हमारा बैक साइड प्राइस के नीचे, तो यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको डिलीट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये रिमूव हो गया है, ठीक है। अब मैं उसी प्रोडक्ट को दोबारा से आपको ऐड करके दिखाती हूँ, उसका जो कोड था हम वो डाल देंगे, ठीक है। तो ऐड कर दिया मैंने, इस तरीके से आप अपने कोड के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं क्विक ऑर्डर में जाके, यहाँ पे जाके, ठीक है। अगर आप कोड के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप सर्च वाले ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो हो गया, फोर्थ पे हमारा जो है ये है, आप अपने डाउन में जो मेंबर ज्वाइन कराओगे उनका फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आप उनका ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम में लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ उनका, वर्किंग मोबाइल नंबर जिस पे इनकमिंग कॉल अवेलेबल हो वो वाला, उनका प्रॉपर पिन कोड, लोकेलिटी, एड्रेस। देन अगर आप अपने डाउन में पर्सन को लगाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाला चूज़ करोगे, अगर अपने डाउन लाइन के, मान लो मैं अपने डाउन में लगा रही हूँ तो मैं फ़र्स्ट चूज़ करूँगी, अगर मैं अपने जो मेरे डाउन में मेंबर हैं उनके डाउन में अगर कोई मेंबर ज्वाइन कराना चाहती हूँ तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी। देन आईडी प्रूफ जो भी आप चूज़ कर, वो अपना आईडी प्रूफ देते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करके लगा लोगे, अगर वो वोटर आईडी कार्ड देते तो आप वोटर आईडी कार्ड लगाओगे, ठीक है, ड्राइविंग देते हैं, पासपोर्ट देते हैं, जो भी आधार कार्ड देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम लिखोगे। देन सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है फिर से फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे सपोज करो ये डॉक्यूमेंट किसी ने दिया है अपना, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगी क्योंकि मैंने अपलोड नहीं करना है। देन बाय क्लिकिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे, देन साइन जो है साइन अप करोगे, फिर कंफर्मेशन का जो है फॉर्म ओपन होगा कि जो आपने फिल किया है वो आपको प्रॉपर कंफर्म है कि सब कुछ ठीक है, तो आप वहाँ पे कंफर्म करके देन उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उनका रजिस्ट्रेशन है जो हो जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ हमारा ये है प्रोफाइल आइकन, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मेरा ये प्रोफाइल आइकन है और हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा है आप अपनी ऑर्डर हिस्ट्री, जो आपने ऑर्डर लगाए हैं वो चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आप अपने डाउनलाइन का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपको इस तरीके से जैसे जैसे चीज़ें ओपन करोगे तो आपको शो होती रहेंगी, ठीक है। अभी मैं मान लो अपने डाउनलाइन का ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ तो डाउनलाइन ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने किसी डाउनलाइन का जैसे मैं जो है कोड फिल कर दूँगी,
उनका मैम जो आईडी है ब्रांड पार्टनर एसएस मेंबर करूँगी तो उनका यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब मैं इनका ऑर्डर हिस्ट्री चेक करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। गो टू ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनका ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगा। अगर इनका न्यू ऑर्डर मैं प्लेस करना चाहती हूँ तो हम न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप इनका न्यू ऑर्डर है जो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ओरिफ्लेम में वर्क कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।